अगर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट पीएचडी हर दिन फ्री में डाउनलोड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए, क्योंकि हर दिन मैं नए से नए पीएचडी फ्री में अपलोड करता रहता हूँ इसी चैनल पे। इससे पहले भी मेरे चैनल पे बहुत से पीएचडी फ्री में दिया हुआ है, आप जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया जाता है जिसके थ्रू आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात, वीडियो को स्पीक मत करके पूरा देखिएगा, क्योंकि उसी फाइल का पीएचडी का पासवर्ड उसी वीडियो के अंदर दिया रहता है। तो वीडियो को कभी स्पीक मत कीजिए, पूरा वीडियो गौर से देखिए, उसी फाइल का पासवर्ड उसी वीडियो के अंदर है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं आज नया कौन सी पीएचडी आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, क्योंकि मैं आज सिखाने वाला हूँ सिंगल क्लिक में फोटो कटिंग, साथ पे एल्बम डिजाइन, वो भी सिंगल क्लिक में। हाँ, एल्बम डिजाइन सिंगल क्लिक में और फोटो कटिंग भी, वो भी सिंगल क्लिक में। सबसे बढ़िया बात इस वीडियो का जो होने वाला है, इसके साथ आपको 3 PhD में भी मैं फ्री में देने वाला हूँ। जिस 3 PhD में मैं एल्बम डिजाइन करने वाला हूँ, वो 3 PhD आज आपको फ्री में मिलेंगे। उस PhD में ना ही कोई पासवर्ड लगा है, ना ही कुछ, सिंपल से वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया रहेगा, लिंक के थ्रू आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बाकी और एक सेटअप रहेगा जो आज का वीडियो का मेन टॉपिक है, एक एल्बम डिजाइन और फोटो कटिंग का सेटअप, जो जिसका प्राइस है 299 है। आप नीचे दिए परचेस लिंक से परचेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यूज का तरीका मैं दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, साथ में आपको कौन से PhD फ्री में मिला है वो भी दिखा देता हूँ। ये 3 PhD आज आपको फ्री में मिलने वाला है, जो इसके ऊपर मैं एल्बम डिजाइन करके दिखाऊंगा, वो भी सिंगल क्लिक में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो आप परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद ये सेटअप आपको दिखाई देगा, इसको आपको एक्सटर्ट हेयर पे क्लिक करके एक्सटर्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सटर्ट हेयर पे क्लिक करेंगे, एक फोल्डर ओपन होगा। इस फोल्डर पे आपको 4 फाइल देखने को लिए मिलता है, जिस दो एक दो एक है आपका इंस्टॉलेशन सेटअप का इंस्टॉलेशन वीडियो, दूसरा है ट्रेनिंग वीडियो, और दो फाइल जो है कटिंग का सेटअप और एल्बम डिजाइन का सेटअप। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, जस्ट इजीली इंस्टॉलेशन है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हैं इस चैनल पे बहुत से फ्री PhD, आगे आने वाले दिनों पे बहुत से फ्री PhD इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। बाकी पहले से ही चैनल पे बहुत से फ्री PhD पहले से अपलोड किए हुए, वीडियो को वॉच कीजिए और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप PhD को डाउनलोड कीजिए। चलिए देखते हैं फोटो कटिंग कैसे होता है। जैसे हम लोगों ने सेटअप को इंस्टॉल कर लिया है, उसके बाद विंडोज़ पे जाएंगे, एक्शन में जाएंगे। एक्शन में जाने के बाद क्या करना है, इधर पे राइट क्लिक करना है और आप देखिएगा इधर दिखाएगा मैजिक कटिंग प्लगइन और मेरा अल्टरनेटिव नंबर, इधर क्लिक करना है। तो दो फाइल इधर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, एक मैजिक फोटो कटिंग, एक ऑटो एल्बम डिजाइन। तो इस दोनों फाइल के दौरान आप एल्बम डिजाइन और फोटो कटिंग वो भी सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। कैसा करना है मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इधर आपको हर टाइप का फोटो के ऊपर मैं दिखाऊंगा, इंडोर आउटडोर वेडिंग और प्री वेडिंग, मतलब एक बर्थडे का है, सॉरी प्री वेडिंग का नहीं है, बर्थडे का है, सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ कैसे कटिंग होता है क्या है। एक फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपल से आपको मैजिक फोटो कटिंग में क्लिक करना है। जैसे आप मैजिक फोटो कटिंग में क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, सिर्फ सिंगल क्लिक पे आपका फोटो कटिंग हो जाएगा। देख ही सकते हैं, एक सिंगल सा क्लिक पे ये पूरा फोटो कट गया। जो कटिंग करने के लिए आप जाएंगे तो आपको तकरीबन, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जितना भी आप फोटोशॉप पे एक्सपर्ट हो जाए, 2 से 4 मिनट आपको लग ही जाते हैं, ठीक है। और भी कुछ फोटोज में मैं ऐसा करके दिखाने वाला हूँ। जैसे ये एक फोटो आप देख सकते हैं, नेचर है, नेचर में फोटो कटिंग बहुत ही मुश्किल है, आपको पता है, एक एक करके पेन टूल से कटिंग करना होता है, और यहाँ इधर पे आपको सिर्फ सिंगल क्लिक पे ही फोटो कटिंग हो जाएगा। देख ही सकते हैं, सिर्फ सिंगल क्लिक में ही आपका फोटो कटिंग हो जाएगा। और जो सॉफ्टवेयर का प्राइस है, बहुत ही चीप प्राइस पे मैंने रखे हैं, सिर्फ 299 में आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, एल्बम डिजाइन और फोटो कटिंग। इतने कम प्राइस में आपको मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं देखने को लिए मिलता है जो फोटोशॉप के ऊपर ऐसा बेहतरीन काम कर सकता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक्शन के दौरान, प्लगइन के दौरान फोटोशॉप में अटैच होता है। आप देख ही सकते हैं, सिर्फ सिंगल क्लिक में मैं फोटो कटिंग कर रहा हूँ, मतलब पूरा मेहनत का, मतलब टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। एक ही बात है, एल्बम डिजाइन हो या फोटो कटिंग हो, कोई भी काम हो या फोटो रिटचिंग हो, सब में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, बस काम होना चाहिए और वो भी बेहतरीन तरीके से। ऐसा है नहीं भाई कुछ भी हो जाए, मतलब आप देख ही सकते हैं फोटो, मतलब एकदम कितने लाजवाब तरीके से कट चुका है। नीचे बैकग्राउंड था, नेचर था, आप देख ही सकते हैं। मैं फोटो को रिटर्न ला के भी दिखाता हूँ, मतलब इतना ज़्यादा बैकग्राउंड में अगर आप फोटो कटिंग के लिए जाएंगे, पहले तो आपको बाहर का करना पड़ता है, फिर अंदर का ये पोर्शन करना पड़ता है, लेकिन जस्ट सिंगल क्लिक पे आप फोटो कटिंग कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए सिर्फ सिंगल क्लिक आपका फोटो कटिंग हो चुका है, देख रहे हैं। और भी मैं दिखाता हूँ, और एक इधर एक बर्थडे का भी है, नेचर पूरी तरीके से, पूरा नेचर में घिरा हुआ है पूरा फोटो, जस्ट सिंगल क्लिक। देखिए
इमेज आपका पूरा एरिया में जहाँ पर भी हो वो डिटेक्ट करता है और फोटो कटिंग करता है। एक सिंगल क्लिक पे आपका फोटो कटिंग हो सकता है। आप ये देख सकते हैं पीछे पर्दा लगा हुआ है जो ड्रेस के साथ भी मैचिंग होता है। फिर भी ड्रेस को रखते हैं, रख के बाकी का वो और ऑब्जेक्ट को बचाए रख के बाकी को वो कटिंग करेगा, वो भी सिंगल क्लिक पे। देख लीजिए सिंगल क्लिक फोटो कटिंग, आप देख ही सकते हैं कैसे कटा है फोटो को, एकदम लाजवाब। आप देख ही सकते हैं ना ही स्किन के ऊपर गया है, ना ही कपड़े के ऊपर गया है, कहीं पर भी नहीं गया कटिंग का ऑप्शन। ऐसे करके आप फोटो कटिंग कर सकते हैं, वो भी सिंगल क्लिक में। मैंने फोटो कटिंग तो दिखा दिया, सिर्फ 299 फोटो कटिंग और ऑटो एल्बम डिजाइन। अभी बढ़ते हैं ऑटो एल्बम डिजाइन की तरफ, कैसे ऑटो एल्बम डिजाइन होने वाले। और आज का जो PhD है, PhD में कोई भी पासवर्ड नहीं है, सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया रहेगा, लिंक के थ्रू आपको डाउनलोड करना है। तो चलिए दोस्तों अभी शुरू करते हैं एल्बम डिजाइन। पहले हम लोग टेम्पलेट ओपन कर लेंगे, फोटोशॉप के ऊपर टेम्पलेट ओपन करना होता है। मैंने डेस्कटॉप पे पहले से आप लोगों के लिए जो फ्री PhD रखे हैं उसको ही ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए मैं इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों ये PhD मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि चैनल पे इससे बाद पे भी बहुत से फ्री PhD आने वाले हैं। और ट्रेनिंग तो मैं देता हूँ, और जो आज का जो सेटअप है अगर लेना होगा तो 299 है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया रहेगा, लिंक के थ्रू आप पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं, और इंस्टॉलेशन का गाइड वीडियो भी दिया हुआ है, अदरवाइज इस वीडियो को भी देख के आप सीख सकते हैं। तो चलिए इस पेज के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। पहली तो बात, हमारा जो ये सेटअप है ये सिंगल फ्रेम के ऊपर भी काम कर सकता है, मल्टी फ्रेम के ऊपर भी काम कर सकता है। तो पहले मैं सिंगल फ्रेम के ऊपर फोटो को रिप्लेस करके दिखाऊंगा, बाद में मल्टी में। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जब एल्बम डिजाइन करते हैं जो दिक्कत की बात रहती है, जो हम फोटो यूज करते हैं हमें पता ही नहीं चलता कौन सा फोटो हमने यूज किया कौन सा नहीं किया, तो इसका भी मतलब समस्या का समाधान है इस वीडियो में। देखिए जैसे मैंने डेस्कटॉप पे ये फोटोज रखे हैं, आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई फोल्डर वगैरह नहीं है, सिंपल से मैंने कुछ फोटोज यहाँ पर रखे हैं। इस फोटो के अंदर से हम कुछ फोटो यूज करेंगे और वो कैसे यूज फोल्डर बन के अपने आप उसी फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, देखते हैं। जैसे पहले मैं सिंगल फ्रेम में काम करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप फ्रेम पे सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम पे सिलेक्ट करने बाद इधर जो ऑटो एल्बम मेकर है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे पहले से फोटो सिलेक्ट करके रखे हैं, समझ लीजिए मैं कोई भी एक फ़ोटो जैसे ये फ़ोटो डालने वाला हूँ। जैसे आप इस फोटो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फ़ोटो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर फ्रेम के अंदर चले जाएंगे। देखिए फ़ोटो ऑटोमेटिकली फ्रेम के अंदर चले गए। अभी जाके डेस्कटॉप पे देखते वो फ़ोटो का क्या हुआ। तो जो फ़ोटो मैंने इस फोल्डर से लिए थे, देखिए यहाँ पे एक यूज फोल्डर हो गया और इसके अंदर चला गया, इधर से ये फोटो कट करके इधर चला गया। फोटो का रेजोल्यूशन कम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यूज फोल्डर होके उसको उस फाइल के अंदर चला जाएगा। अभी क्या देखना है, जैसे कि चार फोटो है, पांच फोटो है, इसको एक साथ में कैसे करें, उसका भी एक ट्रिक है। ये करना है आपको, सिर्फ शिफ्ट सिलेक्ट करके रखे सारे फोटो जितने भी आपका लेयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बस मैंने यहाँ पे चार फोटो सिलेक्ट किए हैं। चार फोटो सिलेक्ट करने के बाद सेम टू सेम प्रोसेस ऑटो एल्बम मेकर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चार फोटो सिलेक्ट कर लेना है, बस ओके पे क्लिक करना है। बस जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइन होगा, कोई भी कहीं पर भी कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा आपका एल्बम डिजाइन होके पूरा तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको सेव कर लेना है, बस इतना ही करना है, बाकी एल्बम डिजाइन जो करना है मेरा सेटअप आपको करके दे देगा, ठीक है। सिर्फ बैठ के देखना है, हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत फोटो को एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि जिस फोटो के ऊपर आप एल्बम डिजाइन कर रहे हैं और जिस टेम्पलेट को आपने ओपन किया है उसके साथ एडजस्ट ना हो, ये हो सकता है, वो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो सकता है, वो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा आपको। बाकी एकदम बाकी जो मेहनत वाली जो काम रहती है वो सब कुछ वो सॉफ्टवेयर आपको करके देगा, ठीक है। सिर्फ 299 में ये आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो थोड़ा एडजस्ट करना है हमें, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम इधर को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी ये भी थोड़ा नीचे आ गया है, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब मेहनत वाली कोई काम ही नहीं, मतलब आप देख ही सकते कुछ सेकंडों में आपका पेज डिजाइन हो गया। मतलब ऐसे आप बैठेंगे तो हर दिन में आप 5 से 6, 7, 8, 10 आप बना सकते हैं, ठीक है। तो और एक पेज के ऊपर मैं बना के दिखाता हूँ, ये तो एक हो गया। दूसरा जो आपको फ्री PhD मिला है उसके ऊपर भी मैं डिजाइन करके दिखाता हूँ। फाइल पे गया, ओपन, मैं जो PhD कोई भी PhD जैसे ये PhD पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब अपने जो भी PhD आप यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फोटो पेज ओपन हो चुका है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले सिंगल क्लिक सेम टू सेम सिंगल क्लिक में दिखाता हूँ, उसके बाद सारे फोटो को सिलेक्ट करके एक बार में दिखाऊंगा। सिंगल क्लिक में गए, आपका फोटो जहाँ पे रखा हुआ है आप उस फोटो फोल्डर पे जाके फोटो को सिलेक्ट कर लेना। मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने फोटो को सिलेक्ट किया, फोटो आके फ्रेम पे ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। देखिए फोटो आकर आपका आके
इधर आके ऑटोमेटिकली सेटअप हो चुका है। मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, देखिए डिज़ाइन आपका कंप्लीट। अभी बाकी जो फ़ोटो है जैसे ये और इसकी बात करते हैं, मतलब जितने भी सारे फ़ोटो इस पेज के अंदर है मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा और सबके अंदर एक साथ मैं फ़ोटो डालने की कोशिश करूँगा। चार फ़ोटो वहाँ पे मैंने चार फ़ोटो को सिलेक्शन किया, एक दो तीन चार, चार इधर भी चार को सिलेक्ट किया, बस ओके पे क्लिक किया। देखिए फ़ोटो आएंगे, ऑटोमेटिक कटिंग होगा, ऑटोमेटिक फ्रेम के अंदर जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको करना हो सकता है, मैं बोलूँगा नहीं करना है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है आपको करना है, क्योंकि जो एल्बम आप डिज़ाइन कर रहे हैं और जो टेम्पलेट आपने ओपन किए हैं तो हो सकता है उसका मैचिंग नहीं हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो उसको आप ही को एडजस्ट करना हो सकता है। बाकी का 80-90% काम जो है आपका ये सेटअप करके दे देगा, ठीक है। मतलब एल्बम डिजाइन में इतना आसान तरीका आपने शायद कहीं पे देखा ही नहीं होगा, और वो भी इतना इजी। बहुत से लोगों को सॉफ्टवेयर यूज करने में दिक्कत है, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं भाई कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करेंगे, तो इन लोगों के लिए ये सेटअप है एकदम 299 में ऑटो फोटो कटिंग हो जाएगा और ऑटो एल्बम डिजाइन हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं एकदम पूरा पेज के अंदर सारे फोटो हमारा चला गया है, देखिए सारे फोटो हमारे पेज के अंदर चला गया है, अभी देख ही सकते हैं। थोड़ा एडजस्ट आपको हो सकता है करना पड़े, मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए अभी आप डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप पे जाके अपना फोटो फोल्डर जो था वो चेक कीजिए। देखिए जितने भी हमने फोटो यूज किए हैं सारे यूज फोल्डर में चले गए, देख ही सकते हैं सारे यूज फोल्डर में चले गए। ऐसे करके आप एल्बम डिज़ाइन कर सकते हो, वो भी कुछ सेकंड में आपका एल्बम डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। और देखिए इधर यूज लिखा हुआ है, मतलब जो आपका नाम था रीनेम भी चेंज हो चुका है। ऐसे करके एल्बम डिज़ाइन बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए। आपका किसी दोस्त को भी दिक्कत है तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हैं, उनको अभी हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले फ्री पीएचडी के साथ, अगले कुछ सिखाएंगे भी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।